दोस्तों आप सभी से नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। हम हैं राजीव कॉलोनी में और यहाँ पर बारात घर बन रहा है। करीब 2 करोड़ रुपए का बजट है, बड़ा बारात घर बनवा रहे हैं। मुकेश डागर जो भाजपा नेता हैं और पार्षद उम्मीदवार हैं अगले, तो यहाँ पर देखेंगे बारात घर की जो क्वालिटी है, जो मटेरियल मिलाया जा रहा है वो सही है कि नहीं, मजबूत बन रहा है कि नहीं, क्योंकि काम हो तो बढ़िया हो, इसी को कहते हैं मजबूत डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो अच्छा हो, हम तो यही चाहते हैं। यहाँ पर देखिए कंक्रीट मिक्सर आया है, माल वगैरह ये लोग मिला रहे हैं, तो माल भी चेक करेंगे ऊपर चलकर। ये देखिए ये माल मिला रहे हैं, बाकी ऊपर दिखाएंगे आपको। मिक्सर भी चेक करेंगे, जो कंक्रीट यहाँ पर आया है इसकी क्वालिटी भी चेक करेंगे, देखेंगे बढ़िया है कि नहीं। बाकी पिलर वगैरह देखिए बिछ गए हैं, आज लिंटर लद रहा है, तो बड़ा बारात घर है। आइए चलते हैं, आइए चलते हैं। रास्ता किधर से है भाई? आइए आप लोग जुड़े रहें, देखते रहें, शेयर करते रहें, आप आराम से चलो, आराम से चलेंगे ऊपर, ऊपर से पूरा आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा रिस्की है, ये देखिए लेंटर आज चढ़ रहा है इस पर, पहली मंजिल का, इसके बाद दूसरी मंजिल बनेगी, तो लिंटर मजबूत होना चाहिए और बुनियाद भी मजबूत होनी चाहिए। तो पाए वगैरह यहाँ पर देखिए खड़े किए गए हैं, पाए के सहारे से ये बिल्डिंग बन रही है, ये बारात घर बन रहा है और ऊपर लिंटर आज चढ़ाया जा रहा है। जो कंक्रीट आ रहा है वो मिक्स करके सीकरी से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है, तो भी ऊपर पता चलेगा अभी ठीक है कि नहीं है। तो आप जुड़े रहें, देखते रहें, शेयर करते रहें। राजीव कॉलोनी में जो बारात घर बन रहा है वहीं की वीडियो है, और आप लोग भी अपने आसपास देखते रहें काम सही हो रहा है कि नहीं, हमें ज़रूर बताएं। ऊपर चढ़ेंगे, थोड़ी सी वीडियो हमारी बना लेते। क्या नाम है? सलमान। चलो सलमान, चलो ऊपर भाई, इसे उठवा छोटू। हाँ इसे उठा, इसे आ गए हैं ऊपर दोस्तों, पहुँचने वाले हैं। अरे ये वाला उठा दे यार, ये वाला वो बोले बेटे बोले उठा दे। हाँ। ऊपर पहुँचने वाले हैं, जुड़े रहे, देखते हैं काम सही हो रहा है कि नहीं। अगर छोटू यार गिर मत जियो, ऊपर आ गए हैं दोस्तों बारात घर के। चलो चलो तब तो आ जाएंगे, लो पकड़ो भाई, आराम से तेज से पकड़ना, आओ। आ गए दोस्तों, ये ऊपर आ गए हैं, ये देखिए मटेरियल वगैरह चढ़ाया जा रहा है, लादा जा रहा है, आज लिंटर बढ़िया मटेरियल घेरा जा रहा है, देखेंगे इसकी क्वालिटी वगैरह ठीक है कि नहीं। उधर चलते हैं। तो दोस्तों आज गए हैं बारात घर के ऊपर, आज यहाँ पर लिंटर लादा जा रहा है पहली मंजिल का। ये कॉलम वगैरह देख लीजिए, सरिया वगैरह तो लगाया गया है, बाकी और भी देखेंगे। आप जुड़े रहें, शेयर भी करते रहें। ये मटेरियल वगैरह देखिए, बाकी ये पाइप से आ रहा है मटेरियल नीचे से। MCF के लोग भी आए हुए हैं, सुपरवाइज़र वगैरह। देख रहे हैं आप लोग काम हो रहा है, लेबर लगे हुए हैं देखिए, और MCF से भी ये सुपरवाइजर वगैरह आए हुए हैं, अभी बातचीत करते हैं।
एक बड़ा सा बारात घर है देखिए, और यहाँ पर जो पार्षद हैं मुकेश डागर वो भी आए हुए हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई पार्षद जी नमस्कार। नमस्कार जी, पार्षद जी से बातचीत करेंगे। पार्षद जी काम वाम से ठीक हो रहा है कि नहीं है? चलो ये तो रहता है, काम ठीक हो रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, आप देख रहे हो बहुत अच्छा काम हो रहा है। बिल्कुल। कितना बजट है इसका? ये टोटल जो हमारे इस बारात घर की कॉस्ट है वो 1,99,00,000 रुपए है, और हमारे लिए तो आज दिवाली के मौके पर जो ये छत की ढलाई हो रही है बहुत ही हमारे वार्ड नंबर 1 राजीव कॉलोनी के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि पिछले कई साल से ये काम बहुत पेंडिंग होता आ रहा था, क्योंकि कोविड आ गया था, फिर NGT का आदेश आ गया था, फिर हमारे ठेकेदार जिस पे ये काम अलॉट था उस पे कुछ परेशानी, पर्सनल पारिवारिक परेशानी आ गई थी। आज अच्छे मौके पर हमारे राजीव कॉलोनी के जितने भी हमारे यहाँ के निवासी हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी महिलाएं हैं, ये बताइए काम ठीक हो रहा है कि नहीं? काम बहुत बढ़िया हो रहा है। क्या देखा यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर वगैरह ठीक है। यहाँ पर एक तो हम जितनी भी गाड़ियाँ हमारी मिक्स है कि नहीं अच्छे से, हमारी जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं RMC की, हम सारी गाड़ियों का सैंपल भरवा रहे हैं नीचे, हम ये लैब में चेक कराएंगे। अच्छा अच्छा। दूसरी बात, जहाँ से भी RMC प्लांट से हमारा माल आ रहा है वहाँ से हमें सर्टिफिकेट मिल रहा है। हमारा एक सरकारी आदमी वाइन के प्लांट में बैठा हुआ है, दो आदमी हमारे यहाँ सुबह से खड़े हुए हैं, सुपरवाइजर और मैट, SDO साहब जीतरान जी भी यहीं पे हैं हमारे। तो हमारे पूरा प्रशासन ने बिल्कुल पूरी देखरेख से पानी का, सीमेंट का, डस्ट का, रोडी का पूरा बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है, और ये हमारे जितने भी, क्योंकि ये सामुदायिक भवन है। देखिए भाई साहब, करोड़ों रुपए में बन रहा है, कई बार होता है बुनियाद कमजोर होती है, फिर मटेरियल घटिया मिला दिया जाता है, वो छत वगैरह टूटने लगती है, दरारें आ जाती है, इससे क्या है आपकी भी छवि खराब होती है, सरकार की भी छवि खराब होती है, MCF की भी छवि खराब होती है। तो हम तो चाहते हैं काम बढ़िया हो, हम यहाँ यही देखने आए थे जो मटेरियल यहाँ पर मिलाया जा रहा है वो ठीक है कि नहीं, तो हमें तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन आप सैंपल कहाँ रख रहे हैं? सैंपल वो हमें नीचे भरवा रहे हैं, वो भी दिखाएंगे। मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में, और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी उनके ही विधानसभा में ये लगता है बारात घर, और इस पे मंत्री जी का वो चंडीगढ़ है मीटिंग में, सुबह भी मेरे पास फोन आया, क्योंकि ये हमारी सामाजिक लोग इसमें बारात घर बारात आएंगी तो ये पब्लिक के संग खिलवाड़ होगा अगर इसमें कोई भी मिलावट होगी, इसलिए सारे प्रशासन को, SDO को, JEE को, हमें सब मंत्री जी ने लगा रखा है कि कोई भी इसमें कमी ना रह जाए। आप देखोगे इसके जो कॉलम्स हैं बीम है पूरे छत में, आप देख लो जैसे मेट्रो की जैसे इतने बड़े बड़े बीम हैं, और इसको हम 2 या 3 मंजिले जा सकते हैं, इसकी बिल्कुल बुनियाद कमजोर नहीं है। कितने इंच मोटर लेंटर होगा ये? ये लेंटर इसकी जो थिकनेस है वो 6 इंच की लेंटर है, और बीम जो है आपका 1.5x2 का है, और पूरा इसका लेंटर का जो थिकनेस रहेगी वो 6 इंच बिल्कुल तैयार मिलेगी हमें। दूसरी बात, हम हमारे लिए हमारे वार्ड के जो हमारे यहाँ सरदारी है, हमारी गरीब हमारी जो बहनों की शादी करनी पड़ती थी पुष्पन अपने धर्मेंद्र भाई, हमें यहाँ इतने महंगे महंगे वाटिकाओं में जाना पड़ता, लाखों रुपए देने पड़ते हैं। हमारे कॉलोनी में ऐसे लोग नहीं है कि वो लाखों रुपए दे के अपनी वाटिका बुक कर सकें, तो हम ये आज लेंटर डल गया तो 15-20 दिन में खुल जाएगा। हमारी ये फुल तैयारी है कि हम जनवरी में इसमें शादियाँ करें, और हमारे यहाँ के अपने जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको अपनी बहन बेटी की शादी करने के लिए किसी वाटिका में जाने की जरूरत न पड़े। हमारे लिए तो केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी का, हमारी जनता की तरफ से, हमारे बुजुर्गों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें दिवाली का तोहफा आज दिया है। चलो बहुत अच्छा लगा। ये भैया क्या चीज़ है मैं जो है, ये कहाँ से निकला है? ये वो एक्स्ट्रा जो उसमें आ गया था वो है, लेकिन ये टूट नहीं रहा है। इसका मतलब दोस्तों देखिए, मैंने आपको कई बार दिखाया, रोड वगैरह में हम लेते हैं सैंपल लेते हैं तो टूट जाता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये जो है बाई प्रोडक्ट ही है, लेकिन ये बहुत मजबूत है ये वाकई, और इसका हर गाड़ी का सैंपल भी भरा जा रहा है, मजबूत है, काफी मजबूत है वाकई। आप देख लीजिए, हम तो चाहते हैं देखो भाई साहब काम बढ़िया हो, ठीक है, सरकार पैसे देती है तो वो पैसे जाए ना जाए काम बढ़िया हो, सैंपल सही में रख रहे हैं, सैंपल बिल्कुल आपको नीचे दिखाएंगे अगर किसी को डाउट हो, अगर किसी आओ ऊपर से दिखा दो, आइए इधर से चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, पूरा चेक करेंगे क्योंकि काम बढ़िया होना चाहिए, पब्लिक का काम है, और इसी तरह से सभी पार्षदों को चाहिए कि निरीक्षण करते रहें, अपने एरिया में जो भी डेवलपमेंट वर्क हो उसका निरीक्षण करते रहें,
ताकि काम बढ़िया हो। कई बार घटिया काम हो जाता है और फिर बार बार उन कामों में पैसा लगाना पड़ता है। पार्षद जी का कहना, जितने भी ट्रक आ रहे हैं कंक्रीट लेकर, सबका सैंपल ये अलग से रखवा रहे हैं ताकि उसका बाद में टेस्ट कराया जा सके। ये देखिए, हर गाड़ी के संग वो सैंपल भरते हैं। हाँ भाई, इधर आ जाओ। हाँ अच्छा, ये फोटो जो क्यूब क्या ये? हाँ हाँ, ये रहा ना। हाँ जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हर गाड़ी के बराबर 6 डिब्बा आपने रख लिया है सैंपल। हर गाड़ी का अलग रख लिया। अच्छा अच्छा, और ये हम लैब के अंदर भेजेंगे और उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे लैब का। अच्छा, कि कितना माल, कितनी सीमेंट है, कितना पानी, रोडी रस कितना है, क्योंकि ये हमारी जनता की धरोहर है, इसमें हम कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, चलो बहुत अच्छा लगा। कब तक बन जाएगा ये हमारा टारगेट है जनवरी तक हम इसमें शादियाँ शुरू कर देंगे। अच्छा अच्छा, हाँ जी। और ये जो है भराई भराई हो जाएगी ये पूरा? इसका पूरा हॉल है कंप्लीट, दो रूम है, लेटरिंग बाथरूम है, एक हलवाई के लिए शेड है, पूरी चार दीवारी है इसकी, और इसमें भराव करके इंटरलॉकिंग टाइल्स हैं और गेट है। ये है जी हमारा। आइए भाई साहब, ठेकेदार साहब, क्या नाम है? धन सिंह नाम है जी। यहाँ रहते हैं? यही रहते हैं। राजीव कलम, काम ठीक हो रहा है? माल वाल सही डाल रहे हो कि नहीं? हाँ जी, माल तो 6 इंच डाल रहा हूँ हमारा। ये मजबूत माल है? सीमेंट वगैरह माल मजबूत रखा है? हाँ जी। वैसे तो आप खुद मिक्स करते हो, लेकिन ये कहीं से मिक्स होके आ रहा है? हाँ, तो आपको चेक करना चाहिए ना कहाँ सही है मटेरियल। प्लांट से आ रहा है? सही है, आपने चेक किया? सही है। मजाक नहीं, सही बताया? सही है जी, वो क्यों भी भरी जा रही है नीचे? अच्छा, हाँ, सैंपल के लिए। सैंपल के लिए अपना बंदा भी बैठा रखा है हमने वहाँ प्लांट पे। अच्छा, सरकारी आदमी बैठा हुआ है नगर निगम का? नहीं, जेन्युइन काम हो। पहला काम हमने देखा क्वालिटी वाला काम आप लोग का। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो SDO हैं, एक्शन साहब हैं, OP करदम जी, जीतराम SDO जी हैं, वो बिल्कुल 1% 19-20 काम ऊपर नीचे नहीं होने दे रहे हैं। पूरा काम बिल्कुल प्रॉपर हो रहा है। अच्छी बात है, काम बढ़िया हो रहा है। हम तो यही चाहते हैं काम अच्छा हो, और फरीदाबाद में दोस्तों जो भी ठेकेदार अच्छा काम करे, जहाँ भी अच्छा काम हो, चाहे वो कंपनी हो चाहे ठेकेदार हो, उसी को काम मिलना चाहिए। यहाँ पर अगर काम अच्छा होगा तो ऐसे ठेकेदारों को और भी काम मिलने चाहिए, ताकि हर जगह बढ़िया काम हो। बाकी आपने देखा होगा क्वालिटी वगैरह ठीक ही है, मुझे तो ठीक लगी है, सैंपल भी लिए जा रहे हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप खुद आइए, सैंपल ले जाइए, कहीं भी आप चेक करवा लीजिए। हाँ भाई साहब, कोई भी भाई आकर किसी भी भाई को डाउट हो या कोई लगता हो कि भाई हल्का माल डल रहा है या सीमेंट कम डल रही है, तो हमारे प्लांट सीकरी से माल आया है वहाँ भी जा सकता है, यहाँ पे आके सैंपल चेक कर सकता है और छत पे भी आ सकता है। बिल्कुल खुला ओपन चैलेंज है, कोई भी आदमी सैंपल के ले ले, कोई भी भर ले। सर बहुत अच्छा लगा पार्षद जी से बातचीत करके। दोस्तों वीडियो शेयर करें। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह।